डियर व्यूवर्स हम आशा करते हैं कि दृष्टि आई की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आई इंग्लिश पर जाए आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूजपेपर से लिया है जो कि 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है आज के एडिटोरियल का शीर्षक है एच डी आर ट्वेंटी ट्वेंटी आज के एडिटोरियल को हम अपने सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे पेपर टू जिसमें सेक्शन जैसे इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक वर्ष 2020 के हालिया संस्करण में भारत के स्थान में गिरावट आई है हालांकि यह कहना गलत होगा कि भारत में मानव विकास की स्थिति बिगड़ रही है बल्कि यह गिरावट इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत ने इस दिशा में आवश्यक प्रगति नहीं की है जबकि अन्य देशों ने तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो यू प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसने अपनी मानव विकास सूचकांक एच रिपोर्ट 2020 के लिए जारी करी है इस रिपोर्ट में जो भारत की पोजीशन है भारत ने अपनी जो पोजीशन है वो दो अंकों से गिराई है और 2019 में जहां भारत की पोजीशन एक थी 2020 में वो घट करके 131 पर आ गई है पूरे देश जितने देशों का यहां पे डेटा प्रेजेंट किया गया है उन सभी की संख्या जो है कुल मिलाकर के 189 देश हैं अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात जिसको हमें समझना होगा वो ये कि भारत में ये जो मानव विकास की जो स्थिति है ये बिगड़ रही है ये कहना बहुत गलत होगा आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारत की जो सिचुएशन है भारत ने अपनी इस डायरेक्शन की ओर इस जो मानव विकास सूचकांक है इसकी ओर जो है वो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं करी है जो भारत को कदम उठाने चाहिए थे भारत ने वैसे कदम नहीं उठाए हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो भारत में जो मानव विकास है उसकी हालत बदतर हुई है नहीं उसकी हालत बदतर नहीं हुई लेकिन हाँ जो कदम भारत उठा सकता था भारत ने उतने शायद आवश्यक कदम नहीं उठाए यदि बाकी देशों की तुलना में कहा जाए तो हम उस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि बाकी देश जिन्होंने बेहतर कदम लिए तो उनके अंकों में उनकी जो रैंकिंग है उसमें हम लोगों को परिवर्तन एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों यानी एंथ्रोपोसिन युग पर केंद्रित है और इसमें भारत के स्थिर मानव विकास के कारण को भी इंगित किया गया है देखिए ये जो इस वर्ष जो यूएनडीपी ने जो मानव विकास रिपोर्ट जो 2020 के लिए उपलब्ध करवाई है उसमें जो पूरा फोकस रखा गया है वो पृथ्वी के ऊपर मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ा है क्या दुष्प्रभाव पड़ा है ठीक है खासतौर से उसके संदर्भ में और इसी क्योंकि मानवीय गतिविधियां यहां पे शामिल हैं तो हम लोग यहां पे एक शब्द यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एंथ्रोपोसिन एंथ्रो एंथ्रो का रेफरेंस यहां पे आप ह्यूमन इस संदर्भ में लगा सकते हैं देखिए इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े थोड़ी सी जानकारी जरा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अब यदि मैं एच के बारे में बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो एक तरीके का यह संख्या की स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे हम लोग किसी भी देश की ओवरऑल अचीवमेंट दोनों उसके इकोनॉमिक सेक्टर में साथ ही साथ उसके सोशल सेक्टर में पता लगा सकते हैं यदि मैं एच की बात करता हूं तो ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स हैं जिससे किसी भी देश की जो तरक्की का पैरामीटर है जो तरक्की की स्केल है उसको ट्रैक किया जा सकता है साथ ही साथ किसी भी देश में चाहे सोशल चाहे इकोनॉमिक संकेतकों की बात करें जो कि किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाती है उसका आंकड़ा भी एच की मदद से हमें बहुत बेहतरी से मिल सकता है देखिए सन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूब उल हक ने एच का क्रिएट किया इसको बाद में किसी कंट्री की जो विकास है किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वह पता लगाने के लिए यूएनडीपी प्रोग्राम ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हर वर्ष यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो देशों की रैंकिंग करती है उनकी एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के आधार पर अब जरा मैं यहां पे बात कर लेता हूं कुछ जो इंडिकेटर है जो संकेतक हैं थोड़े से उसके संदर्भ में अब जब एच डी आई की बात होती है स्टूडेंट्स तो एच डी आई में सबसे पहले तीन बहुत जरूरी डायमेंशन होती हैं पहली डायमेंशन जिसकी मैं बात करूंगा वो होता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ दूसरा होता है आपके पास शिक्षा यानी कि एडुकेशन और तीसरा आपके पास होता है लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है मतलब लोगों का रहन सहन कैसा है लिविंग स्टैंडर्ड अब ये तो तीन डायमेंशन हो गए इन तीन डायमेंशन को हम लोगों ने चार इंडिकेटर्स में बांटा हुआ है जहां पे हेल्थ का संदर्भ हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल करके पता लगाते हैं यदि मैं एडुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन का मतलब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एक देश में देखिए हर व्यक्ति हमारे देश में जो है वो बी ए बी एस सी बी कॉम फिर उसके बाद पी जी फिर उसके बाद एम फिल नहीं कर पाता कई लोग होते हैं कि भाई उनकी शिक्षा जो है वो आठवीं तक रह गई या पांचवीं तक रह गई या दसवीं तक रह गई तो यहां पर पहला जो है आंकड़ा वो है एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने वर्ष इस देश में स्कूलिंग होती है ओके दूसरा मीन इयर्स फिर पूरे देश में हर राज्य का अलग अलग तरीके से आप आंकड़ा निकाल करके मीन मतलब कि एवरेज निकालते हैं स्कूलिंग के वर्षों का लिविंग स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ओके जी एन पी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा तो ये तो बात हो गई एच डी आई के संदर्भ में अच्छा इस बार यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक और नई चीज एक और नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसको नाम दिया गया पी एच डी आई का अब ये पी एच डी आई है क्या देखिए पी एच डी आई फुल फॉर्म यदि आप इसका बोलेंगे तो प्लानटरी प्रेशर्स प्लानिटरी प्रेशर्स एच डी आई ओके यहां पे इसको थोड़ा सा समझते हैं देखिए पहली बार हुआ ये है कि यू ने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया है जो किसी भी देश का जो पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन है और पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन कितना नुकसान पहुंचा रहा है उस आंकड़े को भी दर्ज करना शुरू किया गया है इस बात से यदि इस आंकड़े को हम लोग देखें कि यह आंकड़ा कैसे निकाला जाता है तो ये आंकड़े को मेजर करने का तरीका है सिंपल सा आप समझिए पूरा जो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं मेटल्स हो रहे हैं बाकी रिसोर्सेज जो हो रहे हैं जिन सब का इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज बनाने में हो रहा है उसको हम लोग जो है वो पी एच डी आई इस आंकड़े के तहत लेकर के आएंगे इसको समझने वाली बात है आपको देखिए जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है अलग अलग और चीजें हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है या कार्बन उत्सर्जन हो रहा है या और भी अन्य तरीके जिससे किसी भी तरीके की गुड्स या फिर सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं उसको हम लोग जो है वो पी एच डी आई के संदर्भ में निकाल करके देखेंगे इस रिपोर्ट की यदि हम लोग बात कहें पी एच डी आई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो विकसित होने का दावा तो कर सके लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल सके कि हम विकसित हुए लेकिन हमने अपने पर्यावरण को अपने जो आसपास का जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसको हमने एकदम साफ सुथरा रखा है अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं आया है सामने जिसने बिना अपने पर्यावरण पर दबाव डाले या बिना अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास को अर्जित किया हो आगे बढ़ते हैं वर्तमान परिदृश्य मानव विकास रिपोर्ट 2020 इस तथ्य को रेखांकित करती है कि हमारे ग्रह पृथ्वी की लागत पर आने वाला किसी भी प्रकार का विकास पूर्णता आरक्षणीय है और यह मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है देखिए बहुत सिंपल सी बात है इसको हमें समझना होगा कि भाई हम जितना नुकसान अपनी पृथ्वी को पहुंचाएंगे हमको ही पलट करके उतना नुकसान झेलना पड़ेगा इस रिपोर्ट में पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव तथा मानवीय अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले विकल्पों को आंकने और समझने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है देखिए मैंने आपको बताया ये जो पी एच डी आई प्लानी प्रेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि हम लोग ये पता लगा सकें कि भाई ये जो मानवीय जो क्रियाएं हैं जो मानवीय अस्तित्व के लिए जो खतरा हो रही हैं चीजें उनको किस तरीके से आका जाए कि भैया उनका आंकड़ा कितना है कौन कौन सी चीजें हैं जो मानव क्रियाओं की वजह से नुकसान पहुंचा रही है और बाद में यही सारी चीजें मानवीय अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे यह रिपोर्ट एक ऐसे मार्ग को अपनाने का आह्वान करती है जो पृथ्वी पर दबाव को कम करते हुए मानवीय स्वतंत्रता का विस्तार कर सके मानव विकास सूचकांक में मुख्यतः तीन आयाम शामिल होते हैं मैंने आपको बताया तीनों आयाम जिसमें स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्यक्षा क्षमता के लिए स्कूली के शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जैसे संकेतकों का प्रयोग किया जाता है ठीक है इन संकेतकों के द्वारा स्वस्थ संज्ञात्मक क्षमता एवं उत्पादकता को मापा जाता है और ये तीनों ही काफी हद तक पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं देखिए बहुत जरूरी है ये जो इंडिकेटर्स जो हमने बताए ये किसी भी देश में स्वस्थ लोगों की तबीयत कैसी है लोगों का सेहत कैसी है उसको आंकने में संज्ञानात्मक मतलब कि लोगों का जो बच्चे हैं उनका मानसिक विकास कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास वो किस तरह से बढ़ रही है साथ ही साथ जब मैं ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ग्रॉस नेशनल इनकम तब बढ़ेगी जब देश की उत्पादकता बढ़ेगी और आपको इस चीज को समझना होगा कि ये तीनों एक बहुत बड़े तरीके से कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ भी जुड़े हुए हैं भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी और गंभीर समस्या है या फेफड़ों एवं हृदय संबंधी रोगों और मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के मामले में तो बढ़ोतरी करती ही है साथ ही जीवन प्रत्याशा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है देखिए कई सारी रिपोर्टों में ऐसा कहा गया है कि एन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जो है कई तरीके के फेफड़े संबंधी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं और उसकी वजह से लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो जीवन प्रत्यक्षा है वो घटती है यह एक व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी प्रभावित करता है जो कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रदर्शन से संबंधित संकेतों को में परिलक्षित होता है ज्ञात हो कि उत्पादकता पर स्वास्थ्य और शिक्षा का सीधा असर पड़ता है जिससे राष्ट्रीय आय प्रभावित होती है देखिए यदि कोई व्यक्ति उसकी तबीयत ठीक नहीं है मतलब कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है हफ्ते में छह दिन या पांच दिन काम करने के बजाय वो तीन दिन छुट्टी ले रहा है खराब तबीयत की वजह से और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की शिक्षा जो है वो कम है और जो इनपुट वो अपना अर्थव्यवस्था में दे सकता है कम शिक्षित होने के कारण वो इनपुट नहीं दे पा रहा है तो इन कारणों की वजह से मैं ये बहुत साफ तौर पे कह सकता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसी चीजें हैं यदि इनपे ध्यान नहीं दिया गया तो देश की जो उत्पादकता है उत्पादक क्षमता और उसी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय आय जो है देश की वो प्रभावित हो सकती है आगे की राह मानव विकास सूचकांक के संकेतकों का पर्यावरणीय कारकों के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत की आर्थिक और विकास संबंधी नीतियों में पर्यावरण तथा जलवायु संबंधी विषयों को केंद्रीय स्थान दिया जाना अनिवार्य है अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो मानव विकास सूचकांक के जो संकेतक हैं, इनके ऊपर हमने देख लिया कि पर्यावरण से रिलेटेड जो कारक हैं, उनका एक प्रत्यक्ष प्रभाव होता है तो इसलिए अब समय आ गया है कि यदि भारत मानव विकास सूचकांक में अपनी स्थिति सुधारना चाहता है तो जरूरी है कि जलवायु और पर्यावरण संबंधी विषयों को अपनी आर्थिक और विकास संबंधी नीतियों में प्राथमिकता देना शुरू करे क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन ये प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए आज के समय में यदि भारत ऐसा करता है तो आने वाले समय में हम देख सकेंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत अपनी जो पोजीशन है उसको और बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है एक बात और यहां देखने वाली बात है मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भाई भारत की स्थिति रैंकिंग भारत की कम हुई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहां पे जो मानव विकास है वो बदतर हुआ है नहीं ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया कि एक नया आंकड़ा और लिया गया है जिसका नाम है पी तो ऐसा कहा गया है कि यदि पी के आंकड़ों और एच के आंकड़ों को जोड़ करके देखा जाए तो एक नवासी कंट्रीज में जो भारत की रैंकिंग है वो 131 से बढ़ करके 124 पर पहुंच जाएगी मतलब भारत जो है वो कार्बन उत्सर्जन के मामले में क्योंकि पीएचडीआई क्या था कार्बन उत्सर्जन से संबंधित मसलों को ये देखता था तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि भारत जो है वो कार्बन उत्सर्जन जो क्षेत्र है उसमें भारत बहुत बेहतर काम कर रहा है ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मेरे को आपको देनी थी तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है मानव विकास सूचकांक एच क्या है एचडीआई का गठन करने वाले संकेतकों के संबंध में भारत के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करें तो व्यूवर्स आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो धन्यवाद